सज्जन सिंह का रोल इन्होंने प्ले किया था और अभी गुरुजी का रोल वो प्ले कर रहे हैं, विशंबर दयाल शर्मा जी का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म एंड काउंटर में। सभी के लिए जोरदार तालियां। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर आलोक श्रीवास्तव जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और मिस्टर जतिन उपाध्याय, प्लीज वेलकम। फिल्म के सर्वे सर्वा है ये, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। ओके ग्रेट। और इस फिल्म के लिए आज हमें जिनकी बहुत शुभकामनाएं मिली है, ऐसे मिस्टर अनिल धवन जी एक्टर है, वो हमारे बीच आ चुके हैं। अनिल धवन जी प्लीज कम। और राहुल जैन जी, राहुल जैन प्लीज कम ऑन स्टेज। वाओ। निखिल कामत जी भी है यहाँ पे, और जिनका बैकग्राउंड स्कोर है सुधीर जी बटाविया हमारे साथ है जो नासिक से यहाँ पे आए हैं, और इस फिल्म में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत सारी बेस्ट विशेस। क्या बात है, जबरदस्त। जब पोस्टर ही इतना सुपर्ब है तो सोचिए फिल्म कितनी सुपर्ब होगी। और इस फिल्म की एक झलक तो बनती है भाई, है कि नहीं? ट्रेलर देखना है ना। सर लुक सेंटर, एवरीवन लुक सेंटर। या लुक सेंटर सर, थोड़ा क्या फिल्म बनी है, क्या कहानी है, और किस तरह किरदार निभा रहे हैं, और कितने उत्साहित हैं फिल्म को लेकर? से उत्साह तो मेरा हर फिल्म के रिलीज में रहता ही है, यू नो। अब वो उत्साह कितना कितना पब्लिक में जाता है और वो लोग भी आके फिल्म को देखते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा। ये कैरेक्टर बहुत ही अलग किस्म का कैरेक्टर है, जो एक पुलिस वाले का रोल है, जो गलत संगत में उसने बहुत सारी गलत चीज़ें की हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर वुमन इन हिज लाइफ हुम ही इज़ इन लव विथ, that he changes his ways and tries to do justice to whatever wrongs he's done in his life. That's the kind of character graph that I have in this film. जी मुझे तो लगता है कि हर पॉजिटिव कैरेक्टर में बहुत सारा नेगेटिव भी छुपा ही रहता है, यू नो। लेकिन ये कैरेक्टर इस तरह का है कि जो जिसको नेगेटिव की आदत थी, लेकिन वो फिर वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग होके वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है बिकॉज ऑफ द वुमन दैट इज इन लव विद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो एक मॉडर्न लड़की का, एक मॉडर्न वुमन का कैरेक्टर है। बाय मॉडर्न आई डोंट मीन लाइक कि सिर्फ ड्रेसिंग में वो मॉडर्न है, मॉडर्न से मेरा मतलब है कि उसका थिंकिंग जो है वो मॉडर्न है। वो एक नॉवलिस्ट है, सो उन्होंने एक बुक लिखा है लिव इन रिलेशनशिप्स पे, तो आप सोच सकते हो कितना मॉडर्न है। एंड इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि डोंट टेक शॉर्टकट्स एंड मेक राइट चॉइसेस इन लाइफ। एंड ऑफकोर्स आपने और पूछा था कि क्या ये मेरी डेब्यू फिल्म है हिंदी में, ये मेरी हिंदी में डेब्यू फिल्म है। सी आजकल जो है नेटफ्लिक्स और ये जितने भी चैनल्स हैं, इतने सारे बढ़ गए हैं कि अभी किसी को भी कुछ इंटरेस्टिंग पैदा करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, यू नो। तो उसके बीच में ये एक फिल्म आलोक ने जो लिखी है वो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स को लेके उसे लिखी है, तो जितना सिंपल कैरेक्टर्स होता है उतना उसका इम्पैक्ट रहता है ऑन स्क्रीन। तो ये फिल्म उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैं इतने सारे फिल्मों में आपको नज़र आता नहीं हूँ, तो जो फिल्में मुझे इंटरेस्ट करती हैं मैं उसी में काम करता हूँ। तो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यू नो आलोक मेरे दोस्त भी हैं,
और उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा है जो मुझे अपील कर गई और दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म यू नो एंड आई होप सबको अच्छा भी लगे यू नो डेफिनेटली फॉर एन एक्टर आई बिलीव कि ये बहुत एक अच्छा रोल मुझे आलोक जी ने दिया है जो कि एक जैसे मैंने बताया कि मेरा कैरेक्टर है जो एक मॉडर्न वुमन का कैरेक्टर है आलोक जी और जतिन जी ने जो मुझे रोल दिया है एंड ऑफकोर्स आई हैव फैबुलस को आर्टिस्ट प्रशांत है जिन्होंने बहुत जिनके बारे में आई डोंट नीड टू से एनीथिंग ही इज अ फैबुलस एक्टर तो ऑफकोर्स आई हैव एक्सपेक्टेशंस और मैं यही चाहती हूँ कि ऑडियंस इसको पसंद करे ये फिल्म बहुत अच्छी है इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं एंड पेस बहुत फास्ट है तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई फील एंड आई होप कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो मेरे करियर में ये तो 50 साल पहले कर देना चाहिए था यू नो ये अभी जो है इम्पोर्टेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑडियंस के पास इतना सारा चॉइस है कि अभी ये सिर्फ हीरोगिरी करके और ये सब जो है बहुत बोरिंग लगता है अभी आप किसी भी एक्टर का जो भी हिट हुआ है वो आप 6 महीने के बाद पिक्चर देखो इतनी बोरिंग लगती है यू नो वो पता नहीं उन लोगों को भी लगता होगा कि हमने ये पिक्चर करी क्यों हाँ पिक्चर ने बना लिया 100 करोड़ 200 करोड़ बना लेते हैं वो लोग वो जो पहले 3-4 दिन का जो काम होता है तो लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी स्टार जो ये 200 करोड़ की पिक्चर बनाता है वो 6 महीने के बाद भी अपनी पिक्चरें देखता होगा क्योंकि उसमें ना कोई कंटेंट होता है ना कोई इफेक्टिव कुछ भी होता नहीं है वो एक पर्टिकुलर 3-4 दिन का एक गिमिक है जो जिससे हम लोग सबको जो है अभी दूर निकलना चाहिए क्योंकि अभी 2019 हो गया है और बहुत सारी बकवास जो पहले हुआ करती थी अब वो होगा नहीं क्योंकि अभी ऑडियंस के पास इतना सारा चॉइस है इतना सारा उनके पास चीज़ें हैं जिसमें वो अपना टाइम खर्च कर सकते हैं और वही बकवास चीज़ें देखने में आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रहेगा अभी यू नो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर आलोक श्रीवास्तव जी बड़े प्यार से बुलाए यार एक ऐसा रोल है जो सुपारी लेता है और सुपारी लेने के बाद वहाँ मर्डर होता है एनकाउंटर वहीं से शुरुआत होती है और फिर उस कहानी को हमने आगे ले गए हैं मैं कहा चलो फिर इतना डेंजर रोल क्यों दे रहे हैं नहीं बोले आप करेंगे कॉमेडी ही तो मुझे एक कसाई का रोल दिया गया तो कसाई एक सुपारी ले लेता है लेकिन मैंने हैदराबादी टच लाने की कोशिश की मेरे पहले ही सीन में मैंने बहुत अच्छा शेर बोला कथा सुपारी बनकू मेरे पान में आओ कथा सुपारी बनकू मेरे पान में आओ चुपके से मेरे दिल के मकान में आओ मैं हसीनाओं को गुर्दा कलेजी उधार देता हूँ बस लिपस्टिक लाली लगाकर मेरी दुकान में आओ जी बस यहाँ से हंसाते फिर मेरे को कोई लोभ देता है पैसे की मैं जाके हिरजी भाई को सुपारी दे देता हूँ कोई कौन देता है ये महाराज देते इनकी एक खूबसूरत सी बाला आती है असिस्टेंट वो मुझे सुपारी देके जाती है बाकी बातें आप इतने महान आर्टिस्ट जिनको हम स्क्रीन पे देखते हैं जिनकी एक क्लास चलती है जिनने क्लास करके आए NSD वाले लोग हैं आप इनसे बात कीजिए जिनको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं सबसे बड़ी चीज की फिल्म का नाम एनकाउंटर जैसा कि आप लोग जानते हैं ना कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और आज ये दिखाया जा रहा है इस फिल्म में कि 1947 तो आप छोड़िए अब आजकल देखिए 47 का ज़माना जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमान वाह तो असुरों का जो वो बोलबाला हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए एक बेस लेकर के ये फिल्म आलोक जी ने शुरू की थी और मुझे ये कैरेक्टर राम रहीम टाइप का एक कैरेक्टर इसमें दिया ताकि आप इसको करिए मैंने कहा ठीक है मैं इसको करता हूँ और अपने जो इनपुट्स होता है मैं उसको देता हूँ मैं भले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ लेकिन ये भी NSD से हैं ये नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तो एक्टर ही होता है और हम इसमें कैरेक्टर ने जिस तरह से जो जहाँ नब्ज़ पकड़ी हमने उसको करने की कोशिश की और बाकी एक अच्छी बात है कि
जल्दी पता नहीं लगा कि फिल्म नावल लिखी जा रही है, नावल में सारी एक्सप्लेनेशन है और बाद में पता लगते जा रही है कि फिल्म देख रहे हैं कि ये पूरी नावल है। तो एक अच्छा सा इन्होंने ड्रामा पैदा किया है, सारे नए एक्टर्स हैं, सुशांत और रंजीत साहब हैं, मैं एहसान कुरैशी साहब है, सारे लोग एक अच्छी टीम वर्क के साथ एक अच्छी टीम अच्छी फिल्म बनी है और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म अच्छी जानी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो कोई भी फिल्म, हर फिल्म को हिट होना चाहिए, क्योंकि वो हिट नहीं होगी तो हम लोग की रोजी रोटी कहाँ से। तो मेरा यही मानना है कि फिल्म अच्छी होनी चाहिए, एक शिक्षाप्रद होनी चाहिए और लोगों को एंटरटेनमेंट। जरूर देखने आए, हर फिल्म दादा एक मैसेज देती है, एक संदेश देती है, इस फिल्म में एक संदेश मिला है, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, तो ये फिल्म में बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है ये दिखाया गया है। बहुत बढ़िया, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हैप्पी न्यू ईयर जो हमको देख रहे हैं, इन सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए वर्ष में एक नए एंटरटेनमेंट को ज़रूर देखिएगा। आलोक श्रीवास्तव जी ने ज़रा ज़रा से भी किरदार है दादा उनको ईमानदारी से पेश किया है, एक सीन के लिए भी जो आया वो झंडा गाड़ के गया है, तो मुझे बहुत पसंद आई, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। फिल्म ज़रूर देखें, बड़ी मेहनत से बनती है, 6 महीने काम हुआ है इसमें, मैंने खुद 7-8 दिन बड़े मेहनत से नासिक में दिए, यहाँ फिल्म में सिटी में दिए, कितनी मेहनत लगती है एक फिल्म बनने में, तो फिल्म ज़रूर देखें। आलोक श्रीवास्तव जी ने बड़ी मेहनत की है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और लुब्बे लवाब इस फिल्म का है कि किया है खूब मेरा पामाल ये सोखी न छूटेगी, अगर कातिल तू अपने हाथ 100 पानी से धो, वाह तो गुनाह बोलता है, खून बोलता है, तभी आज जस्टिस लोग न्याय कर पाते हैं। तो एक अच्छा एक समाज पर समाज को एक अच्छा मैसेज जाता है कि भैया संभल के आज के ज़माने में चलो, दुनिया प्यार से जीतने की है, गोली बंदूक बारूद संगीन इससे जीतने की नहीं है, तो प्यार मोहब्बत से आप दुनिया जीती और आप लोग प्यार मोहब्बत से जाकर फिल्म देखिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए। जी थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिमाग होना जाए फ्यूज और आप इसी प्यार से देखते रहें ये फिल्मी न्यूज़, थैंक यू वेरी मच। गीत संगीत राहुल जी बोलेंगे लेकिन मैंने इसका बैकग्राउंड स्कोर किया है और बहुत ही यूनिक फिल्म है, स्टोरी वाइज बहुत ही अलग है, बार बार ट्विस्ट आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने हर एक कैरेक्टर को एक अलग म्यूज़िक दिया है जो पहले ज़माने में होता था, अभी नहीं होता ज़्यादा, तो एक एक कैरेक्टर को हम लोग ने बैकग्राउंड में मर्ज किया और गाने को भी गानों को भी मैंने बैकग्राउंड में लाया है और जब आप फिल्म देखेंगे तो टोटल मर्ज आपको लगेगा पूरा। अभी आपने ट्रेलर तो देखा तो आपने देखा कि थोड़ा सा डिफरेंट किया है बैकग्राउंड, कुछ डायलॉग ट्रैक्स है तो म्यूज़िक कम रखा और जहाँ डायलॉग में तो टोटल म्यूज़िक खोल दिया, तो बैकग्राउंड इस फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। थैंक यू। गाने हैं बट दो अलग वर्जन्स हैं इसके, इसमें मुझे लिखने का भी मौका मिला, कंपोज करने का भी मौका मिला, गाने का भी मौका मिला। ये सोहम है, सोहम ने जो लास्ट जो क्रेडिट सॉन्ग है ये सोहम ने गाया है, एक गाना जॉनिता गांधी ने गाया, एक गाना मैंने गाया। सो फिल्म जो है मुझे जब स्टोरी बताई थी तो इसमें गानों की गुंजाइश नहीं थी, बट पहले एक ही गाना था फिर एक और गाना ऐड करा, दोनों गाने रोमांटिक हैं, सो इस तरीके से आगे मैं कुछ और फिल्में भी कर रहा हूँ, इस साल मेरी 7-8 फिल्में और हैं एज ए कंपोजर एज ए सिंगर। एक्चुअली दिस सॉन्ग हम दोनों ने साथ में ही मिलके किया, मैंने प्रोड्यूस भी किया है गाना और सारे गाने एक्चुअली मैंने प्रोड्यूस भी किया है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम ऐसी मूवी में करना, एंड इवन आई हैव अ लॉट ऑफ फिल्म्स दिस ईयर कमिंग अप एंड सिंगल्स भी करे हैं मैंने, 3 सिंगल्स ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे, दिस इज़ द फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग दैट आई एम हैविंग, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। क्राइम ड्रामा विद सस्पेंस है और ट्रू इवेंट्स से रिलेटेड नहीं है, इट्स प्योरली अ फिक्शन वर्क और अब यही है जो बताया आपने। फिल्म बहुत अच्छी है, वेरी गुड फिल्म, एक्टर्स आर वेरी गुड, म्यूजिक इज़ गुड,
That's why we have started the film and now we have finished the film. So hope सबको पसंद आए. इसके पीछे स्टोरी है ना. एंड काउंटर मीन्स लास्ट एनकाउंटर. इसकी स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर की है, जो पुलिस ऑफिसर गैंगवार के साथ मिलकर हैंड इन ग्लव काम करता है और फिर उसके साथ क्या होता है वो, दैट इज द स्टोरी विच अभी तो रिवील करना बहुत मुश्किल है ना. ये सस्पेंस है. ओके, आपसे जानना चाहेंगे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको काफी सारे स्टार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ऑल एक्टर्स आर वेरी गुड, जो मैंने आगे भी कहा, एंड इट वाज वेरी नाइस वर्क विद ऑल द पीपल एंड इट्स ऑल. अच्छा, मेरा क्वेश्चन, काम करने का अनुभव ऐसा रहा कि ये स्टोरी में वो एक कैरेक्टर में फिट होते हैं, उनको स्क्रिप्ट सुनाई, उनको अच्छी लगी, उन्होंने बोला मैं देखूंगा, जमेगा तो करूंगा, बोला ठीक है चॉइस तो ले और फिल्म बनती चले गई और फाइनली कंप्लीट हो गई. अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा.